हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल होल्डर विद चार्जर लगाना सिखाऊंगा। ये येलोफिन कंपनी का मोबाइल होल्डर है विद यूएसबी चार्जर 3.0। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो मोबाइल होल्डर की वायरिंग है वो आपको बहुत ही सफाई से लगानी है। ये आप देख सकते हैं, पहली वायर जो आई है नीचे वो मैंने यहाँ लगा रखी है, नीचे बांध रखी है। देन उसके बाद मैं ऊपर लेकर आया हूँ इसे। दूसरी मैंने यहाँ पर जिप टाई लगाई है, पहली मैंने यहाँ लगाई है। एंड देन उसके बाद जो स्विचेस की वायर है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, उसमें मैंने जिप टाई लगाकर मैं नीचे को लेकर गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें जाके ये नीचे को जा रखी है। नीचे लाने के बाद गाइज मैंने सारी वायर को अच्छे से जिप टाई कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, सारी वायरें अच्छे से जिप टाई कर रखी हैं। सो अगर इसकी वायरिंग की बात करें तो इसकी जो ग्राउंड वायर है, जिसे आप नेगेटिव वायर भी बोल सकते हो, ये नीचे से लाकर मैंने सीधा इसके अंदर लगा रखी है, ये जिप टाई कर रखी है। एक और बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वायरिंग के साथ में ही आ रही है डाउनर की। एंड ये इसके अंदर जा रही है, देख सकते हो ये यहाँ से सीधा अंदर गई हुई है। एंड इसके बाद ये यहाँ से आ रही है वायर, इसके अंदर से आती है ये सीट के अंदर गई हुई है, सीट में जाकर ये पीछे वाली सीट में गई हुई है। सो जो ग्राउंड वायर को मैं पीछे लेकर आया था, यह नेगेटिव वायर भी बोल सकते हो, उसे मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कहाँ लगा रखी है। ये रही वो ग्राउंड वायर। एंड देन उसके आगे मैंने एक फ्यूज़ होल्डर भी लगा रखा है। एंड उसके बाद मैंने वो ग्राउंड वायर को मैंने चेसी में लगा रखा है, ये देख सकते हो। अब ये रही वो वायर। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आगे भी लगा सकते थे, पीछे लाने का क्या मतलब बनता है। इसका एक एक्चुअली बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने यहाँ पे फ्यूज़ लगा के ग्राउंड वायर यहाँ दे रखी है, इसकी मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगा। उससे पहले मैं आपको मैं पॉजिटिव वायर दिखाता हूँ, मैंने पॉजिटिव वायर कहाँ लगा रखी है। सो भाई, जो पॉजिटिव वायर है वो ये वाली है। ये मैं स्विच, ये जो ये स्विच है इन्हीं की वायर पे, इसके साथ में मैं लेकर आया हूँ। ये रही वो वायर, देख सकते हो, इसमें मैंने जिप टाई कर रखी है ये रही। एंड देन दूसरी वाली ये रही। ये गाइस आप देख पा रहे होंगे, ये रही वो वायर जो मैंने इसके पॉइंट में दिल लगा रखी है। ये एक्चुअली बैकलाइट का पॉइंट है, जब आप इग्निशन को ऑन करते हैं तो पीछे की बैकलाइट जल जाती है, ये उसी में लगा रखी है मैंने ताकि इग्निशन से ही ऑन हो। तो चलिए मैं होल्डर को ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। गाइस, मैंने मोबाइल को लगा दिया है मोबाइल होल्डर में। एंड इसकी चार्जिंग की रेडिकल भी देख सकते हो आप, ये रही। तो चलिए बाइक को ऑन करते हैं। एंड मैं रीज़न भी बताता हूँ आपको कि मैंने ग्राउंड वायर क्यों पीछे दे रखी है विद फ्यूज़ के साथ। तो चलिए बाइक को ऑन करते हैं। सबसे पहले मैं चाबी निकाल लेता हूँ यहाँ से। एंड देन इसको यहाँ पर लगा कर स्टार्ट करता हूँ। ये देख सकते हो आप, नहीं चलेगा। इसमें मैं यहाँ से बटन भी दबा देता हूँ, यहाँ पर एक बटन भी है जो मोबाइल होल्डर में लगे हुए। देखिए क्लिक की आवाज़ आई होगी, मगर ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने फ्यूज़ दिया है, मेरा फ्यूज़ का होल्डर, सॉरी, इसमें एक फ्यूज़ लगता है। मैं उस फ्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वो फ्यूज़ कैसा दिखता है। सो गाइस, ये वो फ्यूज़ है जो उस फ्यूज़ होल्डर में लगेगा। इसको लगाने से पहले मैं बाइक को ऑफ कर देता हूँ यहाँ से। मैंने बाइक को ऑफ कर दिया। एंड देन इसके बाद मैं इसको लगाता हूँ इसमें। ये देख सकते हैं लग गया है यहाँ पर। एंड देन इसके बाद हम बाइक ऑन करेंगे। एंड देन इसके बाद यहाँ से वो बटन फिर से प्रेस करेंगे। ये देखिए मोबाइल होल्डर ऑन हो गया है। एंड ये चार्जिंग भी हो रही है, देख सकते हैं आप। इसको मैं बंद करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मोबाइल होल्डर बंद हो गया। एंड देन ये चार्ज होना चालू हो गया है। अब मैं जो स्विच मैंने लगाया था उस फ्यूज़ को मैं हटा के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने हटा दिया है। एंड देन इसके बाद मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये मोबाइल होल्डर वर्क नहीं करेगा। अब मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ ये फ्यूज़ को। ये रहा वो फ्यूज़। यहाँ पर देख लीजिए आप, मैंने फ्यूज़ लगा दिया है। एंड बाइक ऑन ही थी अब की बार, मगर यहाँ से फ्यूज़ ऑप्शन बंद कर रखा था मैंने मोबाइल होल्डर का। ये देखिए मोबाइल होल्डर वर्क करने लग गया है। सो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी बनी है। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।